रोहित और पांड्या के बीच लड़ाई की खबरें आई बाहर। मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में युद्ध जैसा माहौल। इस बार रोहित का फूटा गुस्सा। किंग खान ने रोहित को लगाया फोन। अगले साल केकेआर के कप्तान बनेंगे हिटमैन। अंबानी परिवार को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। अकेले छपरी पांड्या ने पूरी मुंबई इंडियंस को कर दिया बर्बाद। रोहित के साथ साथ बुमराह भी। नीता अंबानी को देंगे 440 वोल्ट का जोरदार झटका। दोस्तों, आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस को शुरुआती तीन मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद पूरे मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में युद्ध जैसा माहौल बन गया। यहां तक कि काफ़ी खिलाड़ी रोहित शर्मा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहीं पर काफ़ी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के समर्थन में भी खड़े हुए हैं। ईशान किशन ने खुल्लम खुल्ला हार्दिक पांड्या को समर्थन दे दिया है, तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा के साथ बने हुए हैं। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के अंदर से खबर निकलकर सामने आ रही है कि आईपीएल 2024 से रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस वाले रिलीज कर देंगे। मतलब कि आप लोगों को आईपीएल 2024 में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम्स की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तभी एक खबर ऐसी भी आ रही है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में केकेआर की कप्तानी करे। खबर यह भी है कि किंग खान ने रातों रात रोहित शर्मा को फोन लगाया है और रोहित शर्मा भी हो सकता है कि आईपीएल 2024 में एक्शन में उतरे और केकेआर की तरफ से कप्तानी भी कर सकते हैं आईपीएल 2024 में। दोस्तों, सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, रोहित शर्मा के साथ साथ सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी नीता अंबानी को 440 वोल्ट का जोरदार झटका दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन होने वाला है और मेगा ऑक्शन के दौरान हर एक फ्रेंचाइजी सिर्फ तीन खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती है। हमको ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को रिटेन करने की कोशिश करेगी और जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा हो सकता है कि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में उतरे और दूसरी टीम से आईपीएल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। नीता अंबानी ने जब से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाई है, तभी से मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, जिसका असर मुंबई इंडियंस के मैच पर भी देखने को मिल रहा है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस को लगातार तीन मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से दोस्तों फैंस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि रोहित शर्मा के फैंस हार्दिक पांड्या को पूरे सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला गालियाँ दे रहे हैं। आप लोगों ने तो देखा ही था, हार्दिक पांड्या की पुरानी टीम गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मोदी स्टेडियम के मुकाबले में हार्दिक पांड्या को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि रोहित शर्मा के फैंस के साथ साथ गुजरात के फैंस भी हार्दिक पांड्या को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। कोई हार्दिक पांड्या को छपरी बोल रहा था, कोई गद्दार बोल रहा था। यहाँ तक कि चलते मैच के दौरान एक कुत्ता की भी एंट्री हो जाती है, ग्राउंड की तरफ कुत्ता दौड़ते हुए नजर आता है। कुत्ते को देखकर गुजरात के फैंस और रोहित शर्मा के फैंस उसको हार्दिक हार्दिक बोलकर नारे लगाने लगते हैं, जिसके बाद कमेंट्री कर रहे सभी कमेंटेटर भी इस तरह का माहौल देखकर दंग रह गए थे कि हार्दिक पांड्या का इतना भी ज़्यादा विरोध हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी हार्दिक पांड्या को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। उसके बाद फिर वानखेड़े के स्टेडियम पर भी, जिस मैच में मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई थी, उस मैच में ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर दिया था। उस मैच में भी हार्दिक पांड्या को काफ़ी ज़्यादा गालियों का सामना करना पड़ा था। यह असर दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हार्दिक पांड्या से न तो अच्छे से कप्तानी हो रही है, न तो अच्छे से बैटिंग हो रही, न तो अच्छे से बॉलिंग हो रही। यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या काफ़ी ज़्यादा कैच भी ड्रॉप कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैंस को हार्दिक पांड्या का यह एट्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। खैर दोस्तों, आप सभी लोगों को लगता है क्या रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ देना चाहिए? जिस तरह से रोहित शर्मा को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ा है, मैच के दौरान हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। रोहित शर्मा को यहाँ से वहाँ फील्डिंग करवाते हैं, जो कि फैंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल का चैंपियन बन चुकी है और मुंबई इंडियंस के फैंस रोहित शर्मा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। रोहित शर्मा के साथ इस तरह का हार्दिक पांड्या का व्यवहार रोहित के फैंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। इसी वजह से हो सकता है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। रोहित शर्मा के साथ साथ जसप्रीत बुमराह भी मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ देंगे।